धर्मशास्त्र के अनुसार पिता के संपत्ति में बेटा के हिस्सा तो होला, बाकी बेटी के कौनो हिस्सा ना होके। और यही खातिर कि पिता के संपत्ति से कुछ हिस्सा बेटी के भी मिले, आगे भी मिलत रहे। समझ में एगो व्यवस्था चलावल गई, वो व्यवस्था आरिवाज के नाम रखाइल दहेज। पिता दहेज के रूप में घर के सामान, कपड़ा लता, गहना गुरिया इत्यादि देला। यह रिवाज के एकमात्र हेतु यह रहे कि वरकन्या के नया गृहस्थी में जिंदगी के पहला सीढ़ी पर गोड़ धरते ऊ सबन के कौनो प्रकार के कष्ट ना रह जाए। बाकी ऐसन बढ़िया रिवाज के रूप आज कतना बिगड़ गई बा, कैसन भयंकरता धारण कर चुकल बा। आज दहेज दिहल ना जाए, लिहल जाला, उहो प्रेम से ना, जोर जुलूम से। जैसे बाप का मुंह में खून लाग जाला, वो सही लड़का वाला कबो संतुष्ट ना होके ओकर लोभ बढ़ते जाला। यही वजह से कतना मासूम कली एह दहेज का दावानल में भस्म हो जाली। आज दहेज एगो सामाजिक रोग हो चुकल बा। आई क्रूर समाज ओकरा पर खानदानी परंपरा के मोहर लगा देले बा। एगो सत्य घटना पर आधारित एगो हादसा आज हम रउआ के दिखावे जाता ने। हे तुलसी माई, तो हमरा के सब कुछ देले बारो, हमरा एगो मन से और बुरा करते मैया। जैसन हमार बेटी उषा हो वैसने घर भर देते मैया, मनोकामना अपने करते मैया। का भइल सुनरिया, बाबूजी खरी तोहरा के कम देलन का? अच्छा अच्छा, सबेरे का घाटा सांझ के पूरा कर दे, ठीक बा? माई का हा? माई का हरे, ये गदरी बड़ा भारी बा। उषा के माई, हाँ। आज सुनरिया बड़ा कम दूध दे ले भिया। रात के बच्चा तुड़ा ले ले रहल, उ तो कह हमार नजर पड़ गई, न तो इहो दो चुरवा दूध न मिलल रहे। हमरा बाहर जाए के बा। उषा बेटी, हमरा कुर्ता के बटन टूट गेल बा, हां ओकरा तनिक टाकते बेटी। बटन हम टाकते। लो उषा, चाक के चूल्हा जरा के दूध चढ़ा दे, ठीक माई? रे दे, अगर तू टाकबू तो फिर ऊपर नीचे टाक के रख देबू। अरे कभी ध्यान न रहल होई तो ऊपर नीचे हो गेल होई। बेटी चार दिन के पाहुन होले, ओकर ब्याह हो जाई, जब अपनी ससुराली चल जाई तो जाके उस समधन से बटन टपेबा। ओमे कौन हर जाबा, समधन देख के सुनी लायक होए तो जा भी सकेला। हट बेशरम कहीं दे। जोर जोर से हदत मार मास्टर का मार मार। आओ आओ मतरे भैया, बैठ। अरे उषा दे, मौसा आयल बाड़न, रस पानी लाओ जल्दी से। पाए लगन मौसा। जी आ खुश रहा बिटिया, पीला तुम्हार मौसी तुम्हारा खाती तिलवा बना के भेले मानी। तो तू दोनों जने राय बात कह लेला कि ना? कैसन राय बात? अरे का हो मास्टर, इनका कुछ बतेला नहीं थे का? जहाँ हम उषा का बात कहले बानी, ये ब्याह कम से कम 50,000 रुपया का पड़ी। वाह हिम्मत तो बोला। हमारी हिम्मत तो हरा से छिपल नहीं थे मथुरा। बाकी ले देखे एगो लड़की बा, उषा सुखी रही तो हमरो जिंदगी स्वार्थ हो जाए। खेलल जाए 50,000 के जुआ मथुरा, खेलल जाए। अरे वो लड़की तो हम ना पसंद कर देली माई। का तू ना पसंद कर देलू? एक तो रंग करिया, ऊपर से माता के दांत, ओकर तो एगो आंख भी छुटबा। ईगो अखिन तो छुटबा, आंधे तो नहीं खे। अरे अंधा रही तबो कोनो हर्जा ना रही, ओकर बाप 2,00,000 रुपया नकद दे रहे। ई सब कहत सुनत तू लोग के लाज नहीं के लगे? काम आई जे के 9 महीना पेट में पोस लू, पैसा खातिर वही सुलस की जिंदगी बर्बाद करे के चाहता रू। जिंदगी बर्बाद हो ओकर दुश्मन की, साल 6 महीना बाद तो हम ओकर दूसरी शादी कर देती। दूसर शादी? हाँ हाँ दूसर शादी। तोरे को तो वकील बनाकर हम पैसा तानी, 2,00,000 रुपए पर पानी फर गई। बोलती बिटिया, तोरा से मिले के हो मथुरा को शादी आयल बरन,
अरे हाँ हाँ, उनका के तो हमें बुलाव ले रहे। बुला बेटर बुला। नमस्ते वकील साहब। यहाँ से बानी रामेश्वर प्रसाद जी, जो ना लड़की के बारे में रुआ से बात भइल रहल हो, उनका पिताजी। आई बैठी बैठी। हमनी के राहुल के सुरेश बेटा खातिर रिश्ता के बात करे आयल बानी। रामेश्वर जी, सुरेश के शादी खातिर बहुत लोग पीछे पड़ेल बा। 3 लाख तक बात आ चुकल बा। ये घर खानदान के हैसियत तोरा के तो मन में पड़ गई हो। घोड़ा के लगाम थामे के हिम्मत हो, फिर बात आगे बढ़ाई। हाँ, पहले से खुला सा कई ठीक हो ना। मास्टर साहब, हम पहले राहुल लड़की देख लेवे के चाहता नहीं। हाँ हाँ, जरूर देखी। मास्टर साहब, परसों हमने क्या बता नहीं जा, वैसे हमने में लड़के सब काम में ना जाले, बाकी हम जरूर आए। रउआ कोनो आपत्ति नहीं खेना? अरे ना ना, आपत्ति कैसन, रउआ जरूर आई। वकील साहब आई आई बनवर बाबू आई। प्रणाम मास्टर साहब, प्रणाम मथुरा बाबू। राउर का उधन देख के तो राम का नाम लग गोकुल दर्शन हो गए। राउर परिवार तो अतना छोट बा, तो 10-20 लीटर दूध रोज होते हुई राम के नाम लग कहाँ खप जाला। दूध तो अड़ोसी पड़ोसी किन ले जाला। हाँ? और जवन बच्चा ला वो हलवाई ले जाला। आई, चला आई, बेटा आई। प्रणाम। बैठ बैठ। बैठा बेटा बैठा। उषा की माई जी, जलपान लेकर उषा के जल्दी भेजे। अभी ले आ बतानी। नाम हो तुहार उषा। वाह, जैसे ने रूप रंग बा वैसे ने नाम भी बा उषा। कहाँ तक पढ़ ले बारू बेटी? 12वीं पास कर ली। हाँ, सिलाई कढ़ाई कुछ जाने लू? जी बाबूजी के कुर्ता हम ही सिए ले बानी। अब तू जा बेटी, जा जा जा। मास्टर साहब, राउर उषा हमरा बहुत पसंद बाड़ी। एगो मास्टर के ओका के का होला, खाए पिए भर के भगवान देले बाड़े। बहुत जोर लगाई तब 25-30 हजार तक खर्च करब तो हर माता जी के लाखन के बाद तो हम पूरा ना कर सकब। मांगे वाला तो मंगबे करेला मास्टर साहब, हम रउआ संगे बानी, माई के हम समझा दे। ठीक बा बेटी, हम हूँ तो हर बात राखे खातिर तैयार बाड़ी। हमार नैया किनारे लग जाए कि चाहे। रउआ अब बेफिक्र रहे, उषा के फोटो देत रही ना, ले आई? हाँ हाँ, अभी ले आ बतानी। अरे हमारे लेके बुजार, तू ही लोग कहा देखे इकरा पे रीज गई ना, लेकिन के साथ साथ तुहार बुद्धि भ्रष्ट हो गए रहे। बाप रे बाप, तनिसा घोर चमड़ी खातिर 2 लाख रुपए का नुकसान। का बात करत अरु माई, इतना बढ़िया लड़की बा, ऊपर से सुरेश के भी तो पसंद बा, तो तोरा कौन हर जाबा? पूछ लो सुरेश से। का सुरेश, ये हम का सुना तानी, तू लड़की पसंद कर लेला? हाँ माई, लड़की तो हमरा बहुत पसंद बा। अरे लड़का लड़की राजी तो का करी है काजी, अब तू हमरा ऊपर राशन लेकर चढ़ गए लू। बेटी का ब्याह तो तय कही, लेन देन के बाद भी कुछ तय भे की ना? हाँ, वो सब तय हो गए। एगो खुशी की बात बा, और बिनती कैला के बाद संदिन ब्याह में आवे की हाँ कह दे ली। हाँ कहनी, रउआ एगो लड़का बा और हमरा एगो लड़की, रउना संदिन के श्रद्धा बा कि रउआ ब्याह में जरूर आए, ना तो ब्याह सुन लागे, बस उहा कर दे ली। ये तो बड़ा अच्छा भेल,
बाकी बताए लेन देन का बात कहा था कहली ये करीब 60-70 हजार के खर्चा बा ब्याह में 60-70 हजार इतना बड़ा घर मिलल बा जा तो चढ़ाव ही पड़ी बाकी इतना रुपया कहाँ से जुगाड़ करम जुगाड़ कहाँ करे के बा हमारा ग्रेचुटी और फंड के 50 हजार मिलल रहे वो बैंक में जमा बा वो निकाल ले जिंदगी भर एक एक पैसा लुटौली और ये ब्याह कारण झट निकाल के खर्च कर दे तो बुढ़ापा में हमने का काम हुई अरे बुढ़ापा खातिर तो इका जवानी आ रहा बा उनका चिंता तू मत कर इतना ही कर कि 50 हजार बा बाकी का क्या हुई बाकी खातिर का बा मार गहना बा गहना पहने को उम्र तो नहीं के बेटी सुख से रही तू से बड़ा सुख माता रे खातिर का हुई उषा बेटी तू हम कुल बात सुन ले बानी बाबूजी उषा हम इबिया ना करब माई का तू इबिया ना करबू हाँ बाबूजी माई बाबू के जिंदगी भर के कमाई गहना बिकवा के ससुराल जाए वाली लड़की कबो सुखी ना रहले और रवाला तो बुढ़ापा के कगार पर खड़ा बनी हमार भाई अभी छोड़ बा ओकर का होई अरे पगली तू तो बेटी भाड़ू आ रतन तो बेटा है और अभी तो ओकरा खातिर हम बानी उषा कन्या के बाप के खातिर कन्या दान से बढ़कर कौना पुण्य नहीं खेत संसार में आखिर लड़का तुरा तो पसंद के ना तो फिर तुहार संसार सुखी संसार खड़ा करे खातिर तुहारी बूढ़ बाप एक बार फिर से जवान हो जाए बेटी अरे अरे छोड़ नहीं क्या हुआ ज्योति तू हमरा ना मालूम रहे कि तू इतना डरपोक बड़ा डरपोक के खातिर बने के पड़ल बा के ई काया केहू के अमानत बा बड़ा संभल के रह के पड़े अरे हाँ काल तो हार इंचू रहे ना का भाई नतीजा 2 हफ्ता बाद निकले सुनने में आयल के कोनो खूबसूरत औरत तोहार इंटरव्यू लेत रहे और तू घूर घूर के बिचारी के परेशान कर दिल तोहार क्रिया ज्योति जब से तोहार पूजा शुरू कैले बानी कौनो देवी की ओर आंख उठा के नहीं खेले अरे का बीच बाजार में लगलो चुनाए सुरेश के ब्याह तय हो समय होता घर को कुल रकम तो देख ले 5-10 से कम गहना रुपया लेके आवे मास्टर साहब तनी ये में आए मास्टर साहब 30 हजार के गहना और 20 हजार नकद जौन करार बा तू लेके चली रउआ के दीदी बुलावा तारी और फेरा के पहला उनका दिखा दी समझ नहीं अब का हुई मुद्रा तो का है का पट्टा है के बड़ा यार चल के दिखा दे ठीक के से लागे था देख मनोहर ठीक बात सब राम का नाम ले दीदी हम कोनो सोनार तो ना है तनी चमक कम मारा जैसे पीतल पर सोना का पॉलिश कर नहीं नहीं मनोहर बाबू पटना से मोहनलाल के दुकान से किनकी आयल बा संदीप राम का नाम ले अरे हम का कुछ कहली अरे हम तो मजाक कर ली की आके लड़का का मामा है ये का मास्टर साहब अपना बड़ा धोखा नगद के रकम आधा बा ये बात बा सब दिन के ये जुगाड़ ना भेल ये बात तू करबा ये हमरा के मालूम रहे तभी हम शादी में आएली समय कम रहे हम छूटा न सके अब वचन देता नहीं समझिन महीना भर में पूरा कर दे अब तोहरा वचन के कौन मोल बा
पहले चुम्मा में गलता की हले बारे मास्टर वो सब कुछ नहीं मनोहर उठा ले आओ सुरेश के मारा से ये शादी अपना हुई अब भला शादी कैसे हुई बाबू हमारी इज्जत मत करिए बाकी होटल बेटी के भविष्य खातिर बड़ा अशुभ बोला हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी शादी हो जाएगी अरे वाह तू तो बड़ा नौटंकी भंडो मास्टर बुला सूरज को उठा ऐसा जुलम मत करी सब दिन रउआ सामने भी बेटी बा हमारी इज्जत ऐसे मत रू दी हम बार बार कहता नहीं महीना भर में हम पूरा कर दे राम का नाम ले काजी मथुरा बाबू बड़ी बड़ाई करत रहो कि मास्टर बच्चन का कौन का बड़ा धनी बड़ा अरे ऐसा लबर धाधा आदमी तो देख बक बक बंद करो बुलाओ सूरज के पार्वती देवी हमार बात सुनो हम बानी ना बीच में हम जिम्मा लेता नहीं मास्टर साहब जोन बात कह रहे बाना ओकरा के पूरा कर दी विश्वास रखी सब दिन हम गरीब जरूर मानी बाकी बेईमान नहीं की तब ठीक बात राहुल बात मान के शादी खातिर हम हाँ करता नहीं बाकी याद रख हमरा साथ धोखा ना हो हम राहुल जीवन भर गुणगान करब सब दिन ठीक बा जा मनोहर रसम पूरा कराओ इतना विश्वास तो कर ही की पड़ी राम का नाम ले दीदी विश्वास पर तो दुनिया का कारोबार चलाता मास्टर साहब चला कन्यादान कर चल नगरिया बिटिया चलल ससुररिया आज बिटिया चलल ससुररिया
में भरी के चलू सजन के डगरिया बिटिया चलल ससुररिया आज बिटिया चलल ससुररिया दम के से नूरवा बनी के सुहागिन जाए दुल्हिनिया बनी के सुहागिन जाए दुल्हिनिया करी खेरे सोर हो सिंगरवा हमरा भाभी के उनका घर में ले चला तनी घूमते था उठाओ भौजी मुंह देखे द हमरा के आय हाय इतना सुंदर मुखड़ा एकरा आगे तो चंद्रमा भी छाई खा जाए हाय कुर्बान जाऊं अरे भाभी जब शर्म से तू आंख के पपड़ी झुकाव लो तो हमार कलेजा डोले लगा हमरा भाई के का हाल होई इतना जाने ओए माँ बहू के कोना नुमाइश में ले जाता रू ज्योति नुमाइश में काम आई जवन मुंह में आयल वो दे लो बहू घर के लक्ष्मी होली ओकरा खातिर ऐसा शब्द शोभा देता का शोभा देता का नहीं के दे हम जानता नहीं बहू जा सारा देना उतारा पहले वो का है माई अरे तू चोर हर रोज कहीं ना कहीं चोरी डाका पड़त रहता भगवान ना करे कुछ हो गए तो अरे कहली ना उतार जल्दी जी हम अंग्रेजी नहीं की बोलत जो गए ना उतार दे काम आई तू भांग पी ले बारू का भाभी के पहला रात में तू गए ना उतार के कहता रू एकर बाप दादा कभी इतना गए ना देख ले बारू अपने बाप के दी गए ना भाभी पैर ले बाड़ी अरे तो का कोई तोहफा दिले बा दहेज का 10,000 अभी बाकी बा चल जल्दी उतार गए ना तनी को दया माया नहीं के माई
कम से कम आज तो पहले तो आज होकर सुहाग रात बा। ली माँ जी हम सब उतार देंगे। हमरा चलते माँ बेटी ने कहा सुनी हो ये हम नहीं की चाहत। पास पड़ोस कही कि कैसी कुलक्षणी बहू आई कोर रखते ही घर में कलह करा दिलस। अरे उषा आओ ना वहां का खड़ा बड़ू आओ अंदर आओ। सजावट नहीं की। अरे पागल ये सब साज सजावट तो फिल्म में होला असली जिंदगी में ये सब कुछ ना होला। आओ बैठ। अरे ये का तोहर कहना सब कहां बा। हम उतार दिली का है आज की रात में कहना बहुत बड़ा दुश्मन होला। ये बात हमरा समझ में ना आयल खनन खनन आवाज करके सब कुछ बता देला। भाई वाह उषा तू तो बड़ा दूर तक सोचे लो। बाकी सच उषा कहना के बिना भी तू एकदम परी जैसा लगता रहो। चली हटी झूठ मत बोली। देखो उषा हमरा तरफ से तोहरा जीवन में कबो कमी ना रही कोनो तकलीफ ना होई लेकिन एक बात के ध्यान रखिए अपना तरफ से हमरा माई के तू कबो कोनो शिकायत के मौका मत दिया। ओकरा खातिर रहुआ निश्चिंत रहे। एक बात औषा हमरा से माई के कोनो बात के शिकायत तू कबो मत करिया। माई के शिकायत हम कबो बर्दाश्त ना कर सके। ऐसन कबो ना हो स्वामी हम सुहाग सीज पर बैठ के आज रहुआ के वचन दे दी। कर जायदा ये सब बात में अपना मिलन के घड़ी बीतल जाता। अरे बहू ओए बहू जी माँ जी मुझोसी बर्तन के मांझी तो बाप उतर नीचे चल गंदोसी आई नहीं माँ जी माँ जी की बच्ची चल 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 तुर्की पत्तर की रे मारे गुललवाद एक तो 2 लाख का नुकसान वो भी इस सूरत हराम के चलते हम तोरा के ना छोड़त वो नुकसान हम तोरा के हड्डी से वसूल कर। अरे मलकीनी ये मोहल्ला भर के पुरान बर्तन दुल्हे से मजवाए का हम बाने ना माजे खातिर। अरे आप फूट गए बाका ये मोहल्ला भर के बर्तन ये अपने ही बर्तन बा। अरे मलकीनी अभी 4 दिन ना भैल एकरा के डोली से उतरल अभी तो हाथ के मेहंदी भी ना छूटल हा और रहुआ लगनी एकरा के नौवा बैल नियन ऊसर में। लक्ष्मी मुंह फोड़ देव तुहार तू हमारे लेखन के गोदी खिलौने बड़े तो ये मत समझ कि तुहार हर बात सही ले खड़ा खड़ा मुंह का देखा था रे बात बर्तन। आओ आओ सुरेश आले हम तो सोचते रहे कि तू हमके भुला चले गए ना। का बात करता रे जाने मन। अरे मुश्किल से 2 दिन तो भइल होई तू इतने बेचैन हो गेलू। जुदाई के 2 दिन दुयुग के बराबर होला सरकार। नहीं नहीं बीवी छोड़ के कैसे आ गए ले राजा। अरे बीवी तो घी के दिया होले पूजा के वक्त ओकर काम पड़ेला बाद में ओकर कोनो जरूरत ना रह जाला। और तू अरे तू तो हमरा करेजा के धड़कन बड़ हमरा आंख के ज्योति अरे हमरा नस नस में दौड़े वाली खून बड़ो तू। हाय काश हम तोरा के अपन सीने चीर के दिखा सकती। ये सब बर्तन तू काहे माजता रहो। अच्छा
अब हम समझ गए नी, ये सब माइक के चालवा। माइक, ए माइक, पारो, ये सब काम भाभी से करा के काम मतलब? इतना बर्तन तू भाभी से मजवाई बू? बहुत पकड़ पकड़ मत कर ज्योति, ये सब खानदानी बर्तन हाँ, बहु बेटी का हाथ ना लागे तो नजर आ जाए। अच्छा, तो ऐसन बात बा, तो आओ ना माई, हमने भी भाभी के हाथ बटा दी जा, हमने तो यही घर के बहु बेटे बानी जा। अरे बहुत बड़बड़ के मत बोल ज्योति, एक दिन तोहरा के भी अपना सास का कहना माने की पड़ी, असो ही काम करे की पड़ी। ना बाबा ना, हम तो पहले ही पूछ पाछ के तय कर ले के साथ बा के ना, अगर बा तो तोरा नियत तो नहीं खे। हाँ, फिर हम शादी करब। सच पूछो तो माई, ई बर्तन में भाभी के ना सिर्फ हमने के हाथ लगे के चाहिए। आवा जल्दी आवा, चल हट, मर गई तुहार माई। उठा भाभी उठा, बाकी बर्तन लक्ष्मी मांज ले। चलो प्रभु, पैसे की जुगाड़ भइल कुछ? हाँ हो गई। के देले? के बात दे वाला? दोनों गाय बेच देले। कहा? मुन्ना की बाबू, ये क्या कही? पर गाय तो माता के समान होले, दवा गाय के बेच देली। और कोनो चारा ना रहे उषा के माई, हमरा जबान पर केहू 10,000 देवे के तैयार ना भइल। तो दू बीघा खेत नहीं देले होती। तू कहाँ समझदारू, हम कोशिश ना कैली, बाकी 2,000 बीघा से बेसी केहू दाम देखते रहे। तो तुनु कहे 5,000 में बेच देली। 5,000 में? हाँ, तू पैसा संभाल के रख दी। अब ऐसे काल के दृश्य ना देखल जाए। सोमनाथ के गाय के पगा डरा दी। कि मतारी महिला के इतना बड़ा सजा, हे भगवान, ये तो हर का लीला पा। लड़की के सुखी करे खातिर बेटी की मतारी अपना मतारी के बेच देलस। दिन लाख का घाटा तो पहले ही लागे, अब 10,000 का घाटा और लागे। ये मास्टर एक महीना का टाइम ले ले, एक महीना 10 दिन हो गया, अब अभी तक ना आई। सुरेश बेटा। नमस्कार, राम का नाम ली। आई आई मास्टर, ये अंदर भिजवा। कहाँ हो? उषा की माई समीर खातिर पाहू भेट ले वाली। अरे राम का नाम ली, समीर खातिर सौगात, समीर नाम ली तब से भेजी। लक्ष्मी एक पाहू भी तो ले जा। हमारा बेटी के कौनो शिकार है बेना समझिन जी? जहाँ से जोन की पाँच बा पहले वो दूर करी, बेटी का खाता बाद में खोली। अरे हाँ ले, अभी आधा का इंतजाम कर सकते। ये का मजाक मास्टर जी, इतना दिन के बाद तो मुंह दिखा ले, वो आधा पैसा लेकर हटा। Thank you.
उधर घूर घूर के बाहर को क्या देखा था रे? बाहर बात हमको खा जाए का? अरे राम राम, ये रहुआ का गौतानी समझे, हम लड़की के बाप है, रहुआ चरण की धूल, भला हमारे कभी इतना हिम्मत हो सकेला? एक तरफ से हम माफी मांगता नहीं। अरे इतना ना क्या देखते, तू शादी करो ना मनोहर, बोला जब तक हमारे पूरा पैसा ना मिलिए मास्टर जी, रवा बेटी से ना मिल सकी, बहू तू अंदर जा। एगो बिनती रहे सब दिन का, और मासी को हमरे यहाँ सत्यनारायण के कथा हुए, हम उषा के ले जाए के चाहता नहीं। पहले सत्य बोली, सत्य व्यवहार करिए, तब सत्यनारायण के कथा सुनिए मास्टर जी का। अरे राम का नाम ली, रउआ आपन वादा पूरा नहीं थे कही। बहुत पा, हमरे घर के झाड़ू भी नहीं जाएंगे। अब जाए राम के नाम ला दीदी, आई लक्ष्मी के ठुकरावे के मैं चाही। राम के नाम ला दीदी, सवेरे सवेरे तो बोली वही गई, तोहरा के न चाही तो हम ले जाता। देखी तो बहू, तुम तो नाहूर में था भेजली बाड़ी। इसी दिन में बने बिठाई, ये पाहोर है कजन, ऐसा मजाक हमरा से खबरदार मुंह में डल ले तो। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, पाभेन मलकिनी, ये पाहोर घरे जा समय दीजो, डॉक्टर को देवे खातिर पैसा नहीं के हमरा लगे। हाँ ठंडा तो हार माई, इसी तेल के मिठाई भेज ले हैं, हमरा के विश्वास नहीं के हम किसके देखी तो। अरे तोहार सांस के तो नाकी सड़ गए बात दुलही, अरे असली घी कबू खैले हुई देखले हुई तब ना ना बढ़िया मिठाई बा। ला ला दुलही तुम खा ना। मासी, माझी मना कर गई बड़ी। अरे बेटी, नैहर के बनल चीज के स्वादी कुछ और होला। ला हाँ बेटी खा खा, तब ले हम जो बात टंकी में पानी भर के आवत। करल मिठाई मत खाई। डॉक्टर के पैसा के भरी? बोल बोल के भरी? तोहर बाप तोहर माई के भरी? जयदी मालकिन, ओकर दोष नहीं खे, हम ही बहुत खाए के कहने मत मानी। तू जा यहाँ से, अपन काम कर। आज हम ही करा के उपास रह के छोड़। लगातार तुरे आ गई ना। निमन बानो ना? का निमन बानी बेटा, अतना दिन का लगा रेला? का बताए माई, अरे फैक्ट्री लगाओ कोनो आसान काम बा, बड़ा झंझट रहला। हाँ अरे बेटा सब ठीक हो जाए, चल भूख लागल हुई। हाँ माई। बहू सुरेश आ गई। अरे ई का उषा, दुइये थाली तुम्हें ले आवा, यहाँ बैठ के खा। ओकर आज उपवास बा, तू खा। अस्सलाम वालेकुम वकील साहेब। तुम कौन हो तुम? अरे हमरा के ना चिल्लू, अरे रात दिन हमरा नाम के माला जपेलू और पूछो तारू के हम के हैं। हाँ अरे होश में तो पड़े ना? होश तो तोरा के देखते गायब हो जाला जाने मन। अब बहुत तारीख पड़ चुकल बा, आज तो हमार केस तोहरा के फरियावे के पड़ी, नहीं तो उठा ले जाए तोहरा के। हाँ अरे हट रास्ते से, नहीं तो थोबड़ा बिगाड़ दे। हाँ अरे रनिया, अरे कहाँ जाई बुद्धि जनिया। हाहाहाहा
तोरी अखियां कारी कारी हो तोरी अखियां कारी कारी हो तोरी चाल गजब मतवारी हो केहू रहिया मैं बहिया पकड़ी ले टगोरिया का करबू बताओ तब का करबू हो तोरी अखियां कारी कारी हो तोरी चाल गजब मतवारी हो केहू रहिया मैं बहिया पकड़ी ले टगोरिया का करबू बताओ तब का करबू जब मत मारी हमरा के हाथ लगाइबू हो जब हमरा के हाथ लगाइबू हो गोरी धीरे धीरे नियरे आइबू और जियरा में जागी हो अग्नि गरिया का करबू बताओ तब का करबू हो तोरी अखियां कारी कारी सदमा बड़ा भारी सदमा
बाबू कितना करत चतुराई, बाबू कितना करत चतुराई, अब होई नहीं कौन सुनवाई। बबले जाइब तो होके उड़ाई के तगरिया का करू, बताओ तब का करू। राम का नाम लो दीदी, काम तोहरा से झूठ बोले। अरे जान देखने बानी हूँ कहता नहीं, अभी तू ज्योति का लगाम खींच कर ना ही तो खानदान का नाक कराई। ज्योति ऐसा कौन काम नहीं थे कहले मामा, जो ना से खानदान की नाक कटा जाए। हमरा आँख में धूल झोंका का कोशिश मत कर, काल तू किरण के संगे। किरण वो झाड़ू वाला का साथे, ये हम का सुना था नहीं। जवन सुना तारू ठीक है, सुना तारू माई। अरे जी शर्म, कुछ तो शर्म कर, वो किरण हमरा घर में झाड़ू लगात रही। आदमी के मन वो का रहे उसे ना मांग, वो का बा ऐसे होगा। अरे किरण तो हमारे भाई से भी ज्यादा पढ़े लिखे बा, होशियार बा। दीदी राजा भोज और बंगला तेली के तू एक तराजू मत तोला, का पता चेतक खून बा ओकरा देह में। खून तो सबका देह में, भगवान के देह हर चीज है सुरेश। आदमी छोट बड़ अपन कर्म से होला, तू तो फैक्ट्री खोले के बहाने बाबूजी की कमाई बर्बाद कर देना। जबकि किरण अपन कमाई के चारा ना करीब अनाथ लेकिन की बात दे। अगर कितनी वकालत करे के का जरूरत बा, उसे शादी करवो का। अगर शादी कर भी ली तो कौन होता मामाई। ज्योति ज्योति हम नहीं जानत रही कि तू हमरे कोख में ऐसा तरंज लगाई। वो किरण के तारीफ में जवन कीर्तन शुरू बा, अरे वकर बड़ा गुड़ मतलब बा। भांजी खातिर हमारा ऐसा ना कहे के चाहिए, बाकी तोहार इज्जत हमारी इज्जत यही से कहता। ज्योति बिटिया का पांव ऊंचा खाला पड़े लागे बा। मामा तवन के मरीज के कोई चीज पेर लगे, ब्याह के पहले तोरे भतीजे के पा ऊंच काल पड़ल रहे, ज्योति के संगे ऐसन कबो न हुई, बुझलो। राम का नाम ले, देखलो ना कई सब तमाचा मरना था, तो हमारा से हमारा से सूर्य से हमारा से बर्दाश्त न हुई। अच्छा मामी जाई जाई गोर लगते नहीं मामा। गोर लगते मामा एश काहे इतना उदास बाड़ू, बोलो ना। अरे तो हमार कसम छी एका जे जान से भी ज्यादा प्यारा हूँ ओकर कसम ना खाए के तो बो ना। का बताई सुरेश, अब मुझा की चलन कम और नौटंकी की धूम ज्यादा हो गई बा, पेट की खातिर हमने रास्ता बदल ही की पड़ी है ना। अरे तो बदल ला के मना के ले बा। मना के करी, पार्टी बनावे में कम से कम 5-7 हजार के खर्चा बा। 5-7 हजार हमरा तोरे पर भरोसा बा के उसे आज तक मंगले नहीं थी न मांगब। उसने बापूजी अमाय के चरण स्पर्श मुन्ना के प्यार हम इवा कुशल से रह के रहुआ सबकी कुशलता भगवान से मनावतानी। आगे बाबूजी के मालूम कि इनकरा कारोबार शुरू करे खातिर 5,000 रुपया की कमी पड़ गई बा। हम रहुआ के चिट्ठी लिख के विनती करतानी कि रहुआ जल्दी से जल्दी 5,000 रुपया के इंतजाम करके भेज दी। और एक बात के ध्यान रखब, ये बात केहू पर जाहिर मत करब। और बेटी उषा ठीक बा। शाबाश उषा, अरे तू तो हमरा खातिर साक्षात लक्ष्मी बाबू। देखो उषा, ना चाहते हुए भी हम तेरा बाबूजी के हम अखा परेशानी में डाल देंगे। साथी अभी न उतरे, दूसरे सवार हो गए उषा के माई। दामाद जी को नया धंधा शुरू करे चाहता नहीं, उषा हमारे से 5,000 के मदद मंगले दिया। शादी से पहले कदर जी मुन्ना का बाबू
बड़े आदमी का बड़ी भूख होले। अब अभी दहेज के 5,000 चुकले ही नहीं थे, तब दूसरे 5,000 कहाँ से आए? हमारे महतारी जैसे गैया के बेच चले, अब का बेच हमरा से कि मुन्ना से? छोड़ दे वो मुन्ना के माई, तो हमारे काम हुए ओखर में कपार देने बानी, तो मूसर के माँ तो कहाँ के पड़ी? कपार तो छाड़ चुकल बा, अब मार कहाँ सहे? हम आज के हमेशा तू ही रख ले मारू उषा के माई, ये बार भी रख ले अपन सोना के छुरी दे वो वही बेच के बेच दी। आप तो मांग पूरा करे खातिर हमारे सहाग मांगा पर भगवान न करे तो आगे कुछ हो गई तो हमारे मां की कपा हुई, हम हंसा हंसा तो अपन जान दे सके ना, बाकी आप तो हम ना दे ना दे ना दे। भगवान का हाथ में बा उषा की माई, उषा से भरत का हीर दिया रामज का, ये पहला मांग बा तो पूरा कर ही पड़े। हम तो अपन सुहाग अपने हाथ में ला दे, हमारे क्यों जान फंस जाए? ला अपने हाथ में क्या था? हमरा तो समझ में नहीं खी आवत कि हम तो हर शुक्र कैसे अदा करें। जिंदगी भर खातिर हमरा रोजी रोटी के इंतजाम कर देना, हमार तो रोम रोम तोहर कर्जदार बा। अरे तो तोहरा तो एक एक पाई के हिसाब चुकावे के पड़ी, ब्याज भी देवे के पड़ी। हाँ देव डाली जैसे कहो वैसे देव। अच्छा इतना बताओ तोहर पहला प्रोग्राम कहाँ बा? बनारस में। अच्छा, जहाँ गंगा जी के साथ संगीत के भी सरिता बहला। सुरेश बाबू चला घरे चला, बहुत देर हो गई बा, आज रक्षाबंधन ज्योति दीदी तुम्हारे इंतजार करत हुई है। अरे बापरे बिंदु, हमरा घरे जाए के हुई, ज्योति दीदी हमारे इंतजार करत हुई है। ना डाले आज रात तू हमके छोड़ के कहीं ना जाइब। बाकी दीदी हमारे इंतजार करत हुई है ना, हम ना जाए दे। अच्छा ठीक बा, मजीद जी तू गाड़ी लेके घरे चल जा और जाके कह दिया हम 2-3 दिन के बाद आए, फैक्ट्री के काम बा यही से देर हो जाए, ठीक बा ना? पर साल इलाहाबाद से भाग के आ गए रहे, रात के 9 बजे राखे बंधावले रहे, जरूर कोई काम आ गए हो, बाकी रात के 12 बजे से पहले पहले जरूर आ जाई। आ गई सुरेश, आ गई, हम कहत रहे ना कि कहीं भी हुई 12 बजे से पहले पहले जरूर आई हमार भाई। सलाम मैम साहब। सुरेश का बा? सुरेश बाबू तो जाल में फंस गए बाड़े। जाल में फंस गए बाड़े का मतलब मजीद? मतलब ही कि फैक्ट्री के कारोबार जाल नियर हो गए बा, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाला, बड़ा कोशिश के लेन बाकी निकल ना पौलन, रंगवा से माफी मांगले बाड़न, ले ई चाबी रख ले। मजीद जी, हम कल जीवन लिफाफा दे ले रही वो पोस्ट ऑफिस में छोड़ देला ना। जा ज्योति बहन, आज हमार भैया बड़ा रोत हुए, रो रो के सूत गेल हुए, एको मिनट खातिर भी ओकर चेहरा हमरा आँख के सामने से ओझल ना होके दे दे, इवामे खातिर बड़ा जिद केला हुए, बाबूजी ले आई वो करतन, बाकी दहेज के बहुत सा पैसा अभी बाकी रह गेल बाना, यही लाज से आज तोरे आके कुल हमरे जिगर में को तमन्ना जगा दे लेबा, कोई तो छोट में बड़ी बात, बाकी हमरा के माफ कर दे बहन। का बात बा, कैसे माफी? हमरा के तू राखी बात दे बहन, हमरा के तू अपन भाई बना ला, बचपन से तड़पते दिल के एगो बहन के प्यार दे दा, हमरा के तू अपन भाई बना ला बहन। का सोचत बड़ू भाभी, बांध राखी शुभ दिन पे तू इनकार मत करे। ना ना मजीद भैया, ये रही दे। अरे तोरी हैसियत के आगे ती तो कुछ हो नहीं के, बाकी राखी के नेग हो
ना मत बोला बहन। रख ला भाभी, ई तो भाई के प्यार है। कहा बहन मजे तोरा आंख में आंसू? ना ज्योति बहन, आज उषा जैसन बहन मिल गई ना, खुशी से आंख भर आएल। अब हम चलत माने भाभी, तोरा एगो भाई रहे ना, आज से तोहार दूगो भाई हो गए ना। चार बेर तोरा संदिन का संदेशा आ चुका, वही जुगाड़ में पड़ रहे मतरा। तो का जुगाड़ भाई? तो हो गए, एक बीघा खेत बेचे के पड़े। कहा खेत बेचो ना, बाप दादा का अमानत, खानदान का इज्जत, दुनिया का भविष्य कुछ ना सुधरा। कौन रास्ता ना रहे मतरा। वो तो बेच दे पानी के भाव 7000 में। कहा आजकल 12-15 हजार बीघा के दाम चला था मास्टर। बाप करती मथुरा, बाजार के भाव देखती तो देखती रह जाएगी। समझून का सवाल तो तोरा मालूम बा, हमरा बेटी को ताना देत हुई, उनका मुंह बंद करना बहुत जरूरी है। भगवान हमरा बेटी की रक्षा करी है। का बोल भाभी, तबीयत ठीक बा ना? का जाने का जाने, कल से 3-4 बार उल्टी हो चुकल बा। का उल्टी हो चुकल बा? काल से 3-4 बार? हाँ दीदी। कुछ खट्टा खाए के भी मन करता? हाँ दीदी, अचार बड़ा नीक लगा था। अरे भाभी, तू तो बड़ा छुपारू सब निकल लो, हमरो से ना बनाओ लो। का? अरे भाभी, तू तो हमरा के बुआ बना दे लो, हमार नेक भाभी, चोर भाभी। भाभी आज तोरा के एगो चीज देखावता नहीं। का? आवा देखावता नहीं, आवा। ई गुड़िया देखत आरु ना, बस हमरा ऐसने सुंदर सुंदर एगो भतीजा चाहे तोरा से। बोला दीबू ना? आउच। मन के भेदवा हम पे बता।
चिट्ठी आयल बा उषा के गोल भारी बा। अरे यार मुंह तो मीठ करावा ले आओ जी ये तो मिठाई तो खिलाओ। अच्छा। अरे मास्टर ये तो बतावा समधीन से भेद भाई बस काल जाए पैसा के इंतजाम ना भेला से ना जा सके कचरी के मौके पर उषा के भी लिया आवे के बाद हमार प्रेमिका तभी हम कहीं तू हमार पत्नी हो पत्नी क्या प्रेमिका ना हो ले सही झूठ पतल चाटे के चाव रही तुम्हें ब्याह काहे कर ली खानदान चलावे खातिर हमरा खानदान में पत्नी के सिर्फ एक ही दर्जा दहल जला उषा माई के और वो दर्जा तो मिल चुकल बा समझ लो हमारे प्यार में दूसरा के हिस्से दर्मन बनाई हमरा करे अपने साथ बिठा दे हमरा सत्यनाश मत करी हम दोनों के हाथ जुड़े सामी हम ना बुझे आज घर में अगर आराम से रह के चाहता हूँ तो हमरा आदत से परा समझौता करनी तो पड़ी और एक बात कान खोल के सुनना ये बात के पता अगर कोई के चला नहीं तो एकर अंजाम बहुत बुरा होगा समझ लो बहू जी कहाँ चल ले अपना कमरा में माँ जी माँ जी की बच्ची 24 घंटा अपना कमरा में घुसल रही ले पानी के भरिए रे आज लक्ष्मी मौसी ना आई लक्ष्मी गई चूल्हा में हम कहली ना तोरा से जो जाकर पानी भर सुरेश बेटा अरे समधी जी आई आई समधी जी आई बैठी ली समधी जी आरे में तनी देर हो गई आग लागे लोगन के जीभ मा कैसन कैसे बात करेला बाकी हाँ अमरा विश्वास रहे रउआ आपन वादा जरूर पूरा करब गरीबन के लगे ये एगो चीज पर जवान जब जवान देले रही तो पूरा कैल हमारा फर्ज रहे हमरा के माफ कर दी वो दिन हमरा व्यवहार से रउआ के बड़ा तकलीफ पहुंचल कौनो बात नहीं कभी कभी ऐसा हो जाला ई राव और बड़प्पन बा भगवान की दया से रउआ दादी बनने वाला बानी
ये सुन के बड़ा खुशी भेल। ये बात रब्बा कैसे मालूम भेल? हम चिट्ठी लिख रहे माई। नमस्ते मास्टर साहेब। ये खुश रह बैठी, वकालत कैसे चलता? सब ठीक ठाक चलता। हमरा एको जरूरी काम बा, हम चलता। प्रणाम। समझिन, सावन भी आ गए, भगवान बढ़िया खबर सुनौले बाड़े। उषा के माई की बिनती रहे कि बेटी की विदाई करावन चाहता नहीं। जी हाँ। हमरा का आपत्ति बा, बाकी उषा के बिना हमरा एक पल अच्छा ना लागे। जल्दी विदा कर दे। ये तो हमरा हाथ में रखे ना, रउआ जब गौना ले भी भेजे हम विदा कर दे। अरे हाँ, गौना की बात हमें भुलाई गई रही। आप दिल खोल के विदाई करो मास्टर जी। बैठी, विदाई की तैयारी करा दी। छोटा घगरी और इतना नखरा, वाह वाह वाह। सुन, समझी आयल बाड़न का? बाबूजी आयल बाड़न। तोहरा के हम आज विदा करता नहीं। याद रख, यहाँ के कोनो बात वहाँ कहले तो तोहरा के जिंदा जमीन में गाड़ दे। समझ ले, समझ ले कि ना। भीतर चल। मुन्ना, हमार भैया। चल चल। आ गयलू उषा रानी, ससुराल जाके एकदम भुला गयलू। पिया के रंग में ऐसा रंग गयलू। जवन चाहे कहा लोग, बाकी का बताए। नया नया गृहस्थी समझे के पड़ल, समय न मिलत रहे। तू लोगन का याद हमेशा आवत रही, तभी तो देखा ना, समय निकाल के चला ही ली। कजरी के मौका पर आ गए लू, ये ठीक भाई। आप कजरी के मजा आई, काल तैयार रही हो? हाँ हाँ, चला आवा। Thank you.
सखियन के मनवा में बसवनी एक दूजे के हमरा बुलाइब एक दूजे के हमरा बुलाइब पहली बचन वाला सखिया आइब हमरे घरवा जब जब माई हाँ? आज उषा के नजर उतार दे इतना दिन पर देख ले बानी कभो कभो माई बाप के भी नजर लाग जाला ठीक कहतानी हम अभी नून मिर्चा लेके आवतानी नहीं ता माई काहे जवन नजर लागे के रहे उतना लाग चुकल माई ये तू का कहतारू बेटी का बात बा बताओ उषा ना माई कुछ ना हमार भाग्य हमरा साथे कोनो बात नखे सब ठीक बा ना बात तो जरूर कुछ बा बेटी बेटी तोरा मन में कुछ ऐसी बात बा जवन तू कहल नहीं कुछ आ तोरा भगवान की क्रिया बेटी बता दा बोला बेटी बात बोले के मना है बा बाबूजी हमरा मुंह पर सासू जी अली गेड़ी ताला चढ़ा देले बाड़े कैसे लो ताला तोड़े के ताकत तो आई बुढ़ बाप में बा बेटी बोल तू खुल के बोल हमरा प्यार दुलार के क्रिया बा बेटी बोल दे सुनी बाबूजी,
सुनना माई। दोस्तों आज की रात दोस्तों के नाम, आज आपके सामने बिंदु एंड पार्टी मनोरंजन प्रोग्राम पेश कर रही हैं। अब दिल थाम के बैठो दोस्तों, आपके सामने पेश कर रही है मशहूर नर्तकी और हुस्न की मलिका बिंदु।
मुबारक हो बिंदु, मुबारक हो। अरे आज तो तू जनता के दिल पर छुरी चला दिलू, कत्लेआम मचा दिलू, जाने मन कत्लेआम कर दिलू तू तो। इस सफलता के सेहरा तो तोड़े माथे पर बात सुरेश, चौंतु 5000 के पौधा लगा ले, आज फल देवे खातिर तैयार बा। बाकी अब एगो समस्या खड़ा हो गए बा। कैसा समस्या? एक जगह से दूसरा जगह जाए खातिर अब कंपनी में एगो मेटाडोर होना बहुत जरूरी बा। बाकी बिंदु पुरानो मेटाडोर किनबू तक कम से कम 50,000 रुपया तो लग जाई। इतना रुपया कहाँ से आए डाले? अरे सुरेश बाबू बारन ना, जैसे 5000 के इंजाम कैलन वैसे ही 50,000 के कर दिए हैं का सुरेश बाबू? ऐसे को नया धंधा शुरू करे के चाहते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट के धंधा। वाह वाह वाह, राम के नाम लो भगिना, बहुत बढ़िया धंधा बा। देखो मेटाडोर देख ले बनी भाई। बंटाधार? केकर बंटाधार हो गए बेटा? बंटाधार ना माई, मेटाडोर। अरे मेटाडोर वो गाड़ी बोले जिमे 12-15 आदमी बैठ के आराम से कहीं भी जा सकेला। 1000 किलोमीटर चल चुकल भैया, बस 50,000 रुपया दाम भाव कर। हाँ 50,000? इतना पैसा कहाँ से आ रही मनोहर? लागत दिमाग का कनेक्शन कट गई का, तनी मुरब्बा उरब्बा खाए के मिलल तो शायद कनेक्शन जुट जात। लू अच्छी लगनू ले। रुपया ऐसा चीज है ससुरा के हाथ में होते दिमाग का कनेक्शन जुट जाओ, राम का नाम ले। देख लो अब दिमाग चला रहा है, समझा कि 50,000 रुपया सामने रख कर दिया। 50,000? इतना रुपया हम कहां से पूरा करें? तो सोच लेना, शादी में दमाद के एक गो बुलेट ना दे सके, अब लड़का राम का नाम ले जिद कह के बैठल बो कि गहना में मेटो डोर ले। अब अगर दमाद कर इतना छोट मांग पूरा ना कर दे तो भाई जाने तो राम जाने गौना न जाई, ऊसा जिंदगी भर ससुराल का मुंह ना देख पाई हूँ, बुझले। पानी प्यास लग गई बहुत सा बिटिया। अरे अपना बाबू खातिर पानी लिया वृद्ध बिटिया। और जब हम कह लिया ना ओकरा ऊपर गौर करी है, समझ गए ना? बाबूजी पानी, क्या बात बाबूजी? तबीयत ठीक नहीं थी का? ठीक बा बेटी, सुनो प्यार भाई तो गौना बाकी बामा से हमार माई जरूर सुरसा जैसन मुंह फैलाई। पता ना वो गरीब मास्टर साहब के का हाल हो। इला बेटी बस मासी बस, अब तो भूख खत्म हो गई। भाभी के चेहरा आग के सामने नाचे लगल, हमें वो गाय के ले आके कसाई के खूटा से बांध दे ले के रन। ये अपराध के बोझ से हमार रात की नींद हराम हो गई बा। कि हम का सुना तारी मास्टर, पहला दोनों गाय बेचला फिर खेत, अब घर बेचे जाता ना। लड़की के शादी ना भाई हवन हो गए, वही में सब स्वाहा कर देगा। गौना ना देवी है उनके बाप का राज नहीं है भाई, सरकार कानून कायदा कहे बनो ले कायदा कानून का करी मथुरा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में शादी शुदा बेटी
पेट में बच्चा लेके बाप के घर में कब तक पड़ रही, तरह तरह की बात उठे। तू हमारा स्वभाव जाने, कोई हमारा इज्जत पे अंगुरी उठाए वो पहले हम मर जाए। चला हम चलता नहीं तोरा साथी, शादी के लेन देन तू सब पूरा कर चुकल बाड़ा, फिर पार्वती देवी कैसन टैक्स लगेली? अब कौनो फायदा नहीं है मथुरा, माता डोर के आधा पैसा तुम दे चुकल बाड़ी। हाँ मथुरा, 25,000 जवन बाकी बाकर हेलमेट भी लिख देवे बानी, अब वो तो हमरा के हर हाल में देवे पड़ी। मकान के रजिस्ट्री पर दस्तखत कर तभी बाकी पैसा मिले। हम अनाड़ी नहीं के मनोहर कि सुरेश के गौना ले भेज दे ली, आधा पैसा मास्टर दे गए बारह। लेकिन दीदी ठीक है, हम लूटा के तोरा के बुद्धि दी और तू हमरे के छाटा दे दे लो, मिलनी जुलनी में 2-500 रुपया मिल जाए, राम का नाम ले हो गई। कमरा में बैठ के बात कर जाए। हाँ संभाल के बैठ। ऐसा भला आदमी के हम पहचान न पाऊंगे। थोड़ा पैसा साथ में लेके आई बानी, और कुछ दिन में इंतजाम करके ले जाए, ये रख ली। ओहो, इतना जल्दी भी कर रहे? पूरा इंतजाम कर लेती तब देती। अब तो तू हद कर दे लो माई, ये बेचारा तोरा घर में बेटी का ढेल है, कि तू इनका तो कमदार बना दे ना। ज्योति समान समान सब बोल, आज के व्यवहार निभावत का नहीं, तेरा का मालूम बा ना कह के बेटी। अरे ये तो गौना के नेल है, हम उनका खुशी से देवो बने। अरे का सुरेश, अपना शौक खातिर तू अपना ससुराल के घर बचवा देना। राम राम राम, तेरा के लाज में नहीं ला। लाज तब तो हर आने के चाहिए, तू हमार खुशी नहीं को देखे के चाह, ऊपर से हमरे घर में हमरे ससुर के सामने तू हमारी इज्जत उठा कर। अरे मरद बरद
अपना पुरुषार्थ पर अपना कमाई पर राज रच के देखावा। अरे तोहार फरमाई पूरा करत करत तो ई लोग कंकाल हो गए। ज्योति ज्योति बकवास बंद कर। माँ सब ये सब देकर कौन अहसान देने वाली? इनका बेटी को अपने घर में शरण देकर। क्यों माई इतना छोटू चाहता तोहार? अपना बहू के घर के लक्ष्मी के तू ऐसा निकाह से देखा जा रही? अब तो तोहार लड़की कहावे में भी हमारा शर्म ला बता। अब ये देखे तो हमारे एगो बेटी बा उकरा संसार में सुख के सागर हिल रहा मारे। ये हमारे अरमान बा हमारी चिंता मत कर बेटी। मास्टर चाचा हम राहुल हालत देखा था नहीं माई तोरा में तनी को इंसानियत होके तो लौटा दे इनका रुपया। हमरा घर में आए धन लौटावे के रीति नहीं के तो अपना घर के ही रीति तोरा तोड़े के पड़ी माई। हम तोरा के ही रुपया ना लेवे दे। एक गरीब मास्टर के रोवा दुखा के तू कबो सोचना पाएगो माई? तू कबो सोचना पाएगो? हम कहा था ने लौटा दे रुपया। हम बड़े अरमान से उषा के गौना के लिए बने। अरे ये हमार बड़ा भागवा कि हमार रामान हमरा से कुछ मगले और हम दे सके। ये पुण्य से हमें वंचित मत कर बेटे। खूब अत्याचार कर रहा ताकि एक बात याद रखिया अभी हमार आपन बहन पिया कौनो बात के गुस्सा भाभी पर उतारे के कब्बो कोशिश करी हो तो हम तोरा के ना छोड़ो। अरे मजीद आजकल बहुत पूजा पाठ कर तारा का बात बा? अल्लाह सपना बहन खातिर हम दुआ मांगा था नहीं बहन। अरे तुहार तो कौनो बहन ना रहे? रक्षाबंधन के दिन उषा से राखी बधवा के हम ओकरा का अपन बहन बना लेने। उषा मतलब के ज्योति के भाभी? हाँ। बहुत अच्छा बात है। वो बेचारी के न जाने कौने गुनाह के सजा मिलल किरण ओकरा के सुरेश जैसन आवारा पति मिलल। का मतलब? चला हम तोरा के सब बताओ तानी चला। देखा करण भैया ई वही मेटाडोर है? अरे हाँ रंगो देखी वही गाड़ी है कि दूसर? वही गाड़ी है वही नंबर वही गाड़ी वही रंग। मास्टर साहब घर बेच के जवन मेटाडोर दामाद के देहली देख ली वो केकरा द्वार पर खड़ा बा? हमरे तो कुछ समझ में नहीं खे आवत किरण बेटा। अरे तो कुछ नहीं खे मास्टर साहब तनी अंदर जाके देखी कुल समझ में आ जाए। जाए आए अंदर चले आओ। जाए जाए आप सब हमें जा बने। नमस्ते बिंदु जी आइए प्लीज। आवा आवा नमस्ते बैठिए बैठिए। नमस्ते नमस्ते बैठिए ना। कहिए क्या काम है जी? हमने आपके शो की बड़ी शोहरत सुनी है। हम एक छोटा सा चैरिटी शो कर रहे हैं जिसके लिए आपका प्रोग्राम बुक करना चाहते हैं। कहाँ कर रहे हैं आप लोग प्रोग्राम? जी रांची में। रांची में? जी अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपके पास कोई इंतजाम है? उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए। हमारी मेटाडोर है ना। मेटाडोर? हाँ हाँ जी हाँ। क्यों आप लोगों ने देखी नहीं? नीचे ही तो खड़ी है। उस पे हमारी कंपनी का नाम भी लिखा है। क्या लेंगे? जो आप देंगी। जी मेरा मतलब है ठंडा या गर्म? ये गर्म। अच्छा मैं भी आई। हम जानत नहीं मछली आज तक अपना हाथ से एक
रोटी तो तुम फूर के नीचे दे ले तो गाय भर के मेरे साथ काट दे। आपन बदबक बनकर इतना खाना हम कैसे खाएब? खूब खाएब मलकिनी, आज सवेरे दूध में चबन प्राप्त करी बेटी मिलौले रही, पेट में जाते ही फूल भसम हो जाए। जय नारायण करी। रुआ खाई मलकिनी, हम तनी दर्जी के यहाँ जाते नहीं, दोनों चीज छटी तो उषा बेटी से मांगी। जा जा जा। बहू, ए बहू, तनी अचार लिया हो? अरे जोड़ ले जल्दी। ओहो, फूटे के बारी बात है। चुपचाप चल जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा झापड़ मारो कि खोपड़ी घूम गई। अब उन्हें तो देखे के बाद जाती कि खोपड़ी केकर घूम गया। मुंह चलाओ तारे मास्टर, ये का तमाशा बा? तमाशा तो तू फड़ ले बारू समझे। जब से उषा की शादी कह ली तब से आज तक तोरा तमाशा देखा था उतारी। आज पर्दा उठ गई बा, अपना घर बेच के 70,000 की गाड़ी तोरे बेटे को दे ली। वो गाड़ी कहाँ बा जानता रू? कहाँ बा? वो तो हमने तो अपनी आंख से देख के आवर बानी दा पार्वती देवी फैक्ट्री के बहाना से दिन दिन भर अयाशी करल फिरता। वो तो हाँ समर कुमार कहाँ बा जाना तारू? हम यहाँ बा। बोले का बोला तने? अच्छा कैला आगेला बेटा, तोहरे गौरव गाथा सुनावे आयल बानी जा। पार्वती देवी सुनू अब तो दिलरवा तो करनी, ई उषा से चिट्ठी लिखवा के 5,000 रुपया में बोले रह और तना ऊपर से ओकरा के धमकी दे दे रह केहू से कहिया मत। तब रुवा से के कहली बात? हम कहली नमक हराम से तो साफ निकलने साफ दिलान सबल के बात करे मलकिनी। अरे साला तोरा नौकरी करे के मन नहीं के का रे? साला हम तोहार बनने वाली सुरेश बाबू, बाकी तोरी नौकरी पे आज हम थूका पानी थू। एक बात याद रखे सुरेश, उषा हमार धर्म तो बहन बा,
अगर ऊपर एक बाल भी बाता भइल तो खुदा कसम तो हर एक टुकड़ा भी कुतला से ना मिली कीमा बना के रख दे समझ ले सुरेश ये हम कहां सुने पानी बेटा माई दू कौड़ी के ड्राइवर के बात पे विश्वास करके ये लोग तुम्हें आगे पर जो लोग कहा था और का सबूत बाई लोग के लगे सबूत सबूत खोला तारा बेटा तो देखा आज तुम्हार माता जी भी देख अपना श्रवण कुमार का कर्म ले ज्योति तू देख ला अपना भाई का करतूत देखा माई देखा मास्टर से हम कहले रहे उषा के सोना जैसा ससुराल मिलल बाकी आज आज निखालिस पीतल निकल केहा ये केहा हमार प्रेमिका सुरेश इतना बेशर्म हो गई बड़ा अरे बेशर्मी कैसा मर्द है मर्द चाहे जौन करे सुनो लो पार्वती देवी आरती उतारा अपने मर्द बेटा के अरे तब का भाई अमीर घर का लेकिन की तो शोभा है ही सब चुप रह माई अब हमरा मालूम भइल सुरेश कि इतना दिन से तू का गुल खिलावत रहला बेशरम उषा के तो जिंदगी बर्बाद हो गई तोरा सके मास्टर चाचा जो वो अपना उषा के अभी तुरंत ले जा अपना से एक हफ्ते तो अभी बेटी अपना देखना सुनना के बाद भी बड़ा उषा को यहाँ रखा अरे कोई बेटा बैठ सकता अब बेटी जिंदा मिल दो बस अभी अपना ताका दुआ अपना बेटी को सहारा दे क्या क्या बात है हमारा से पूछे तू कहीं ना जा सके ये पूछा पूछी का आपन अधिकार तू गवा चुकल बारू पार्वती देवी चलो नाश्ता खड़ा खड़ा भूखा देखे तबे रोक रोक कुकरा के उषा कहीं ना जीबू हमारा हुक्म जो पे गीदड़ के औलाद न तो उषा पर मरारू दिया न तो केहू के दबाव में दिया बीच में आवे की कोशिश कर दे तो कुंडली फाड़ के रख दे हाँ असल मरद भारत का जान अब हर किरण तेरा अंजाम अच्छा ना हो चुप है भूतनी के अंजाम तो अब ते देख बे लल्लू पार्वती देवी अब उषा के बुलावे चाहू तब बिरादरी के पंच के सामने पहले लिखा पड़ी हो तबे उषा आई ना तो जान ला उषा अपने संतान के संगे जिंदगी भर अपने नैहर में बैठल रही उतरा के खर्चा खुराकी हर महीना तोड़ा के देने के पड़ी चल रामी चल बात उसी
तो का मैं एकदम ध्यान निकला कर इस साबुन के पानी के झाग गिरा के का गा चला तड़ू। अरे अब ऐसे बात ही ना सफाई उठो चली भूल हो गए कि हमें दूर चला ले ले हम भुला गए लिया आओ दूर के चल गए जो चल मलकिनी मलकिनी उठी उठी मलकिनी हाँ हाँ उठी ढेर चोट लगल होई तो हल्दी प्याज के चूना लगा दे हाँ ये सब प्रहार करने हम पर आगे जाने ले मुझे जूटा ओ ज्यादा मर गई रे आओ बैठा यहाँ अरे देखा तो संभाल के संभाला कि माई संभाल के माई तू यहाँ बैठ के आराम कर हम ऊपर जाके आराम करते हैं ठीक है ठीक अरे सवेरे राम का नाम लो दीदी काहे बुला लो मनोहर हम एगो परिक्रमा लेने बनी तरह से बाहर लेने को आती हमारा से ये तो जल्दी बोला दीदी जल्दी हम सुरेश के दूसरे शादी करे चाहता है राम का नाम ले फिर से दहेज लेने का बढ़िया तरीका ढूंढ लो दीदी बाकी दूसर शादी कर इतना आसान काम नहीं खे अरे भाई ऐसा उपाय निकालो कि तलाक फलाक का झंझट भी ना हो और दूसर शादी हो जाए पी आईबू खाली खाली राह पूछल कर ले 500 बाकी जल्दी उपाय खोज राम का नाम लो दीदी अब सानाई बजले समझा अब का है मास्टर सुरेश तार में लिखले बा कि पार्वती देवी के दिल के दौरा पड़ गिल बा उषा के लेके तुरंत आ जाए हमरा के लागत है कि सब नाटक मत हो बाकी का जा सकला दिल का दौरा तो कभी कर सकला मथुरा हमरा तो लागत है वो दिन इतना बड़ा हंगामा हो गया पार्वती देवी बड़ा आवेश में आ गई हो सकता लप्पे से पड़ गई हो ना बाबूजी ना मनमोती और सीता एक बार टूट जाए तो फिर कबू ना जुड़ सके तो घर में अब हम कबू ना जाए अरे पगली तू कहा अकेले देबू हम ही के साथ कोई तोरा साथे चल जा हाल चाल लेके तुरंत वापस चला जा तुरा कैसे पड़ गई सुरेश बेटा कहा बताए बाबूजी अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गए जब तक कुछ सोची समझी दौरा भी पड़ गए अब देखो ना तो और तार मिलल तो दौरा चला ही गया अब का बताऊं जब से रुवा लो बहनी तब से उनकर दाना पानी छूट गए रात के नींद हराम हो गई उनका बस हमेशा एक के बाद रटप रहा तारी कि सुरेश हम तेरा ससुर के बहुत परेशान के लिए बानी बाकी ज्योति बिटिया नहीं थी देखा कहाँ गए बानी पटना हाई कोर्ट में कौन केस के काम से गिल पड़े यह तो 3 दिन में आजी है हम तो नहीं देख जाते नहीं कि माइक डाले बाड़ी की ना माई जागल बाड़ी आई चले चल माई उषा आयल बाड़ी अपना बाबूजी के संग है बोले काहे नहीं की डॉक्टर बातचीत करे खातिर मना कैले बा भाई बुआ लोग से माफी मांगा पड़ी हो ला समझी संसार में ये सब तो होत रहेगा
आदमी तो गलती का पुतला है। हमनी के मन में कौनो कौनो मेरे नहीं के संदी कौना जल्दी ही नीक हो जाए संदी और जल्दी ही अपन पोता भी खिलाए। अच्छा पार्वती देवी, अब हमने क्या क्या दी? चल बेटी उषा आओ चली जा। भाई कहा तारी कि उषा के एक दो दिन खातिर रह दें। दीदी नहीं थी ना, जब आ जाए तो हम पहुंचा दे। तो कहा है जब एक दो दिन की तो बात बा से सेवा कर दी। ठीक हो समझी उषा, आप तो ख्याल रखिया बेटे। मौसी तू हमरा के बुलौलू हा कौन काम बा का? हाँ ज्योति घर में नहीं खे। हाँ मलकिन बीमार पड़ल बिया, सुरेश उषा के रोक ले ले बा। तोहरा बात से तो ही साफ बुझाता मौसी कि बेचारी हिरनी बाघ के मान में फंस गई बिया। मौसी अब पहले जल्दी से जल्दी ज्योति के खबर देके बुलावल जरूरी बा। हम जाता नहीं मजीद के संगे लेके ज्योति के लिए आवे। अच्छा। उषा तू थक गई हबो, जा जा के आराम कर। अरे हाँ माई के दूध भी गरम करे के रहे, बाकी जायदा हम गरम कर ले। हमरा रहते रवा गरम करब बैठी, हम गरम करके ले आवा तानी। लेकिन उषा गैस खत्म हो गई बना, स्टोव चलावे के पड़ी ना। ता का भाई हमरा स्टोव चलावे ना आवे का, हम अभी दूध गरम करके ले आवा तानी। जान लेवे खातिर हमार जान लेके रो को मिले माजी, बिना तोहरा मुंह ले हमरा शांति ना मिले। ना ना माजी ना, दया करी हमरा पर माजी, हमरा पर दया करी ना माजी ना ना। रो का देखा था ले आओ के अरे ले आओ जल्दी। हमरा बेट में राहुल पर जमा छोड़ा करी हमार दया करी माते जल्दी कर। तू लोग चिंता मत करा हम संभाल ले। कौनो खास बात हुई तो खबर करी है ज्योति। अच्छा अब हम चलता है। दरवाजा खोला
ये कैसा हंगामा भइल बा? पार्वती देवी के बहू जल के का? का? तैयारी करावा जरा लाश ढेर दिन तक राखे के ना चाहे भैल अंगरवा
नागिन पे तो नजर रख ही के पड़ी ना जाने कब अपन जहर उगल दी। सुरेश माथुर का घर है। जी हाँ, बैठे हुए लोग। सुरेश माथुर आप ही का नाम है। आपके ससुर ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। आप लोगों ने उनकी बेटी उता देवी को चला कर मार डाला है। मैंने ये सब झूठ है। आपकी बहन की चोटी कहाँ है? वो ऊपर कमरे में है। उषा के मरने के बाद उन्हें बहुत सदमा लगा। वो गुमसुम क्यों हो रही है? डॉक्टर ने उन्हें पूरे आराम की सलाह दी है। आप खड़े क्यों बैठे हो? अच्छा ठीक है, उनका बयान तो हम बाद में लेंगे। अभी आप माँ बेटे दोनों का बयान लेना है मुझे। अब इन्हें पूरी तरह के हमरा माई से बयान लेके गई बटे। दो तीन दिन के बाद तोहरो बयान लेके आए हुए, समझ लो। जितना तोरा कहल जाता उतने पुलिस के बतावे थे। वो दिन रात में उषा रसोई घर में दूध गर्म कर रहे। तू बीमार माई के लेके बैठ के उनका के गीता सुनाओ पहलो। इतने में तोरा के बचाओ बचाओ के आवाज सुनाई दिलक और तू और माई दौड़ के रसोई घर में चलू जा और देख लो। का देख ला लूंगा। उषा के साड़ी में आग लागल बा और जरत दिया। हर मुकरा के बचावे खातिर ओकरा पर पानी डालत रही। उषा की हालत तोरा से देखल लागे और तू बेहोश होके गिर गए। बुझाइन जितना कही जाता उतना कहबे ना। तो याद रख, तनको उल्टा सीधा बोले तो तोहरो उहे हाल होई। समझ ले। आज दू दिन से ज्योति लोकत नहीं थे। हम अपना आज से सुरेश के ओकरा कमरा में ताला बंद कर देखले बनी। कोनो उपाय करब। ज्योति के जेल से जल्दी छुड़ाओ लोग। ना तो पक्का जान लगा ज्योति के अगर कुछ हो गए तो उषा के कतल के बाद हमेशा दिमाग में बहुत बड़ी आइडिया। माथुर कौन है? हम हैं। आइए। हाँ आइए बैठिए। मुसीबत सिंह, हम यहाँ बैठने नहीं आए। क्या समझे? हम यहाँ काम के वास्ते आए हैं, बैठने के वास्ते नहीं।
मिस्टर सुरेश माथुर जी, तुम्हारी बही तबीयत कैसी? अभी ठीक है, ऊपर कमरे में है, आइए। हाँ, चलो चलो बेटी। दरोगा जी आयल वार्डन। हाँ हाँ बेटी। तू जवन हमरा से कहलू ना, वो सब इनका से कह दो। मुसीबत सिंह जी हुजूर, इन सबको बाहर बगीचे में ले जाओ, मैं यहाँ लेता हूँ। जी हुजूर। ज्योति का बयान अकेले में। ओहो, बयान अकेले में। चला बूढ़ा, चला सब भाई, चला चला चला। हाँ चला। ज्योति हमारा कहना चलो। अरे हम किरण है, किरण हम आ गए ना। ज्योति दरोगा कैसे बयान लेता, अपना देरी लागू हम देखी सकते। नहीं, तुम दोनों है ठहरो, हम अभी देख के आता है। मौसी चला मछी चला। हाँ माई, कुछ गड़बड़ लगा था, उसी पहिया अभी ले वापिस ना आए। दरोगा के कुछ आवाज सुनाई नहीं के देते, तनी आओ तो चल के देखल जाए। हाँ कैसे बयान लिया था ये दरोगा, का करा था ऊपर अपना देश से? उसे पाई कहा आप मतारी बेटवा का पैर पे हाथ धर के रोवा लग। अपना सिपाही खटाई है अपना ज्योति। तो पुलिस दरोगा ना रहे तब के रहे? वो तो देवदूत रहलन देवदूत, पर आज ऐसे नियम दूतन के हाथ से हमारा ज्योति बिटिया के छोड़ा के ले गई लग। दगा खोर सांप की औलाद, ए जवान संभाल के बोल, दगा खोर तू बारूद तू। गरीब मास्टर की ताई जैसे बेटी के घर में धोखा से बुला के ऊपर, अरे ऊपर वाला जो बा ना ऊपर हजार आंख बा। अरे तोरा तो नरको में जगह ना हो पार्वती देवी, समझ लो। चुप कर, मैं कहती हूँ चुप कर। अरे जा जा, तू तो हमरा की चुप करे पुचाए, मैं बहु के जवाब दे लू और तोरा पेट से पैदा भईली रात से हर रात। चुप कर सुई, ये तो जमीन में गाड़ दे तोरा के। चल हाथ कमीना, तनी हाथ लगा कर तो देख, तू हमरा की पाखीन है पाखीन। इतने पंजा में तो हर परे जो निकाल से खा जाए। तोरा तो इतना सुंदर बहु मिलल, बस कितने ऊपर मोल ना समझ ले। बाकी याद रख बेटा, भगवान के घर में देर बा अंधेर नहीं के क्या राम जी। अरे तो जने लक्ष्मी, अरे तोरा घर के दाना पानी तो हमरा खातिर जा रही गल पार्वती देवी। अरे तोरे जैसे डाइन के नौकरी पर हम छुका था नहीं तो हम नौकरी पर पुरुष पुरुष। तू चिंता मत कर माई, सब ठीक हो जाए, हमने कोई बड़का वकील कर जाए। बड़का बड़का वकील की वहाँ बाबू शिव पूजन रहा है। अरे वो तो कैसा खूनी के फांसे के फंदा से खींच लावे ला। एडवोकेट शिव पूजन सहाय स्पीकिंग। हाँ जी, हाँ मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाइए। ओके। हाँ तो पार्वती देवी, हमरा और केस तो देख ले ली, लेकिन हमारा फीस रुआ सबके बहुत भारी पड़ी। कहें कि जितना बड़ा जुर्म होला उतने बड़ा फीस भी होला। हमरा लोग के गले में फांसी के फंदा पड़ल चाहत वकील साहब, जान से बढ़ के पैसा ना होला। हाँ वकील साहब, जान से बढ़ के पैसा ना होला। बोली रहो कितना फीस बा? 1,00,000 रुपया लग। ठीक बा। हाँ। आधा पैसा अभी भिजवाए तो नहीं, आधा पैसा फैसला भैला के बाद। ठीक बा। कोर्ट ने तो हमारी जमानत मंजूर कर दी है। कोर्ट ने वो जमानत रद्द कर दी है, पार्वती देवी को भी गिरफ्तार कर लो। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट इन सेशन। मिस ज्योति, योर विटनेस प्लीज। योर ऑनर, मेरा पहला गवाह है श्रीमती पार्वती देवी, पति शंकरलाल माथुर। पार्वती देवी हाजिर हो।
हम जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो आपका नाम? हमारा नाम तो हाँ नहीं क्या मालूम? मैं पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है? पार्वती देवी। हाँ तो पार्वती देवी, जिस समय आपकी बहू मरी उस समय आपके घर में कौन कौन थे? हम रही, हमारा बेटा सुरेश रहे। क्यों, आपकी बेटी नहीं थी? हाँ, वो रहे। वो घटना के समय आप क्या कर रही थी? हम अपना कमरा में सुतल रहे, दिल के दौरा पड़ल रहे। तब तो डॉक्टर ने आपको चलने फिरने उठने बैठने की मनाई कर रखी होगी। हाँ। फिर क्या हुआ? हम एक रसोई से बहू की चीख सुन ली, बचाओ बचाओ, हम दौड़ के गई। दरवाजा अंदर से बंद रही, हम बहुत कोशिश के लिए, हमार बहू जल गई। और हमार बहू जल गई, हमार बहू जल गई, चिल्लाते हुए आपने भाग दौड़ मचाई है ना? उस वक्त आप में सीता पे चाहत आई पार्वती देवी, जबकि आपको दिल का दौरा पड़ा हुआ था। है जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा था उसका नाम बता सकती हैं आप? नाम तो हमारा याद नहीं। जाने दीजिए, नाम याद नहीं है आपको, लेकिन कार्डियोग्राम की रिपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट तो होगा। ये बात काबिले गौर है योर ऑनर, डॉक्टर का नाम ही नहीं याद नहीं है, इनके पास कोई रिपोर्ट या मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं है। इस पॉइंट को नोट किया जाए योर ऑनर। इससे अधिक हमें और कुछ नहीं पूछना योर ऑनर। योर ऑनर, मेरा दूसरा गवाह है मिस्टर सुरेश माथुर, पिता शंकरलाल माथुर। हाँ तो मेरा नाम सुरेश माथुर, पिता का नाम शंकरलाल माथुर। वेरी गुड। मरने वाले से आपका क्या रिश्ता था मिस्टर सुरेश माथुर? कमाल है, ये भी कोई सवाल है जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। मिस्टर सुरेश माथुर, आपसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। थैंक यू योर ऑनर। आपका क्या रिश्ता था मरने वाले से? मैं उसका पति हूँ। घटना के समय आप क्या कर रहे थे मिस्टर सुरेश? अब मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, इतने मेरी माँ की चीख पुकार की आवाज सुनाई दी, रसोई घर से मेरी पत्नी की बचाव बचाव की आवाज आ रही थी, मैं दौड़कर वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर आपने क्या किया? वहां पहुंचकर मैंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो मेरी पत्नी चलकर मर गई, लीजिए आज तो पहुंच दीजिए सुरेश जी, आपके आज से दूसरी बार काम आएंगे। जी धन्यवाद। आप दुरुस्त हैं आप? जी हाँ। तो आपने आग बुझाने की बहुत कोशिश की लेकिन आग नहीं बुझी, यही कहना है ना आपका? जी। और ऐसा करने में आपको मृतिका के काफी नजदीक भी जाना पड़ा होगा। हाँ। तब से उन आग की लपटों से आपके कपड़े भी जल गए होंगे। क्यों सुरेश, जरा अपना हाथ से दिखाइए। हमारे काबिल दोस्त इस तरह के वाहियात सवाल पूछकर अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट को फंसाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं योर ऑनर। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही योर ऑनर कि मिस्टर सुरेश के हाथ की लकीरों में ऐसी कौन सी गुत्थी उलझी हुई है केस की, जिसे देखकर मेरे काबिल दोस्त उसे सुलझा लेना चाहते हैं। योर ऑनर, मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे मेरा काम करने दिया जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो मैं कह रही थी मिस्टर सुरेश, मैंने सोचा कि शायद आपके कपड़े ना जले हो, पर आग बुझाने समय आपके हाथ तो थोड़े बहुत जल ही गए होंगे, जरा अपने हाथ दिखाइए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कहीं भी आपके हाथ पर जलने का थोड़ा सा भी निशान नहीं है। जो साहब, आग इतनी अधिक लग चुकी थी कि पास जाने की गुंजाइश नहीं थी। मैं दूर से ही पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। आपको यकीन है कि वो पानी था? जी हाँ। क्या यही है वो डिब्बा जिसमें आपने पानी डाला? जी
आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर सुरेश। आपने पानी नहीं बल्कि किरासिन का तेल डाला और ये है वो टिन किरासिन का जिस पर आपकी उंगलियों के निशान है और ये है वो लकड़ी जिस पर आपके हाथ के निशान है। योर ऑनर, इस लकड़ी का एक सिरा जला हुआ है जो ये साबित करता है कि इन माँ बेटन ने मिलकर मृत का उषा पर किरासिन का तेल छिड़क कर आग लगाई और इन लकड़ियों से धक्के दे दे कर मरने वाले को मार मार कर अपने से दूर रखने की कोशिश की ताकि वो अपने बचाव के लिए भाग भी ना सके। मिस्टर सुरेश, आपने आग बुझाने की कोशिश की, ये एक सफेद झूठ है। आप आग बुझाने में नहीं बल्कि आग भड़काने में मशगूल थे। उषा को आपने मार डालो मिस्टर सुरेश, आपने। योर ऑनर, ये रहे सबूत और ये रही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन योर ऑनर। लेकिन इस केस के बदलते हुए हालात में, इस केस की गहराई में जाने के लिए मुझे 24 घंटे की मोहलत चाहिए योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। कोर्ट एडजॉर्न्ड। गदर उड़े मास्टर, गदर उड़े। काबल मुर्गा घरे मुन्ना के तो बदमाश उठा लेने वाला है। हाँ, और वो हमारे घरे देखिए कितनी छोड़ रहा है। ज्योति कोर्ट में अपनी दलील नहीं बदलेगी तो जो हालत उषा की हुई वही रतन की भी होगी। तो हमारे अब अपना बेटा की गवाहन नहीं थी चाहो, बचा लो हमारा बेटा की, बचा लो। ना मजनू, रोई मत, रोई मत। अपना बेटा की गवाहन नहीं थी चाहो, नहीं थी चाहो। बच्चा, 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 हम शिव पूजन साया से बात कर ले, हम अपन दलील बदले खाते हैं तैयार बने। बेटी हमरा लाल के बचा लो, बेटी, बेटी हमरा लाल के बचा लो। हाँ तो रामेश्वर बाबू, जिस समय आपने अपनी बेटी उषा की शादी की उस समय उसकी उम्र क्या थी? 18 साल। आपको अपने बेटी की शादी की बहुत जल्दी थी ना? क्या आपको ऐसा नहीं लगता मास्टर साहब कि आपने बहुत उतावली में उसकी शादी कर दी? उतावली कैसी? आप कहना क्या चाहते हैं वकील साहब? मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं, यार समझना नहीं चाहते। मास्टर रामेश्वर प्रसाद, आपको अपने बेटे की शादी की तो इतनी जल्दी थी कि आपने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि आपका दामाद क्या करता है, कैसे चरित्र का है। इसलिए आपको यह मालूम था कि आपकी बेटी बदतर है और आप सब से जल्दी बड़ा अपने सिर से टाल देना चाहते। यह क्या कहे वकील साहब, कुछ पैसों के लिए मेरी गंगा जैसी पवित्र और फूल जैसी निर्दोष बेटी के चरित्र पर कीचड़ मत उछालिए। आपके हाथ जोड़ता वेरी वेरी गुड मास्टर साहब, आप एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि अपनी एक्टिंग से आप मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक पाए। आपको यह पहले से खबर थी कि आपकी बेटी उषा चरित्रहीन थी, यह झूठ है, यही सच है। और इसीलिए आप जल्द से जल्द अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए उतावले थे। ये झूठ है जज साहब, ये झूठ है। और ये हकीकत आप उनकी ससुराल वालों से छुपाना चाहते, लेकिन उसकी चरित्रहीनता की यह हकीकत उनके सामने खुल चुकी थी। नहीं, ये झूठ है। और इसीलिए उसने अपने मुंह की तालीफ बचाने के लिए अपने शरीर पर किरासन तेल छिड़क कर आत्महत्या की। ये झूठ है जनता, ये सच है योरान। उसने आत्महत्या की है और इसे साबित करने के लिए मेरे पास गवाह है योरान। आप चाहो जिस तरीके से भी गवाह खड़ा कर सकते। मेरा गवाह तो, मेरा गवाह तो ऊपर वाला है वकील साहब। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। आपने जो मेरी बेटी पर लांछन लगाया है
उसका ऊपर वाले के सामने एक दिन आपको जरूर जवाब देना पड़ेगा, जरूर जवाब देना पड़ेगा वकील साहब। रामेश्वर बाबू, आपको तो अगलाओं का आभूषण है, आप जैसे शिक्षित वयोवृद्ध इंसान के लिए इसे यूं सरेआम बहा देना शोभा नहीं देता। और फिर ये तो अदालत है, कोई नाटक का स्टेज नहीं है मास्टर साहब। अदालत में आंसुओं की नहीं सबूतों की जरूरत पड़ती है, और आज अगर सबूत देने की स्थिति में कोई है तो मैं हूं, सिर्फ मैं। नो फर्दर क्वेश्चन योर ऑनर। योर विटनेस मैडम। पूछा हत्याकांड की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने गवाह और सबूत इस अदालत के सामने पेश किए। अदालत ने तमाम गवाहों और सबूतों को देख सुन लिया है। क्योंकि अब कोई गवाह और सबूत किसी के पास नहीं है, इसलिए ये अदालत इस मुकदमे के फैसले की तारीख 14 अक्टूबर तय करती है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मेरा एक महत्वपूर्ण गवाह अभी बाकी है। योर ऑनर, अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि जब तक बयान पूरा ना हो जाए अदालत से कोई बाहर ना जाए। बयान खत्म होने से पहले कोई भी अदालत से बाहर ना जाए। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं मिस्टर किरण कुमार को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ। प्रोसीड। मिस्टर किरण, इस केस के सिलसिले में आपका क्या कहना है? ये बड़ा लंबा किस्सा है जज साहब। हुआ यूं कि रतन का अपहरण किया गया है, ऐसा धमकी भरा पत्र हम लोगों को मिला, जिसकी वजह से हम सारे के सारे बहुत बेचैन हो गए। न जाने क्यों रह रह कर मेरे दिमाग में एक ही बात आती रही कि इस अपहरण के पीछे हो न हो सुरेश और पार्वती देवी के चमचों का हाथ है, और इनका सबसे बड़ा चमचा दूसरा और कोई नहीं बल्कि पार्वती देवी का भाई मनोहर है, जो यहां मौजूद है। फिर हमने एक तुक्का फेंका, मैंने और मजीद ने मनोहर मामा के घर पर नजर रखी, और जैसे ही मामा घर से निकले हमने एक नजदीकी के टेलीफोन बूथ से मामा की आवाज बनाकर मामा के घर पे फोन किया, और फोन उठाया मामा की पत्नी ने। हेलो, राम के नाम ले, हम बोला तानी, हम अभी नहीं छुआ सका, तू वहां से रतन के हटा दे, अगर के पता चल गई भाई जल्दी से चला अब, सुन लू की नहीं, जल्दी कर जल्दी कर। हाँ हाँ, हम अभी आवतानी। आओ। तू चल, हम रतन के लेके आवत आ, हम चलत बानी। That's all your honor. इस केस में मामा का उतना ही हाथ है जितना पार्वती देवी और सुरेश का। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन योर ऑनर। योर ऑनर, मैं एक ऐसे गवाह को पेश करने की मंजूरी चाहूंगी जो इस नाकाबिले बर्दाश्त हादसे का एक चश्मदीद गवाह है, और वो कोई और नहीं मैं खुद हूँ योर ऑनर। प्रोसीड। घटना की उस अंधेरी मनुष्य रात में जब मैं पटना से लौटकर अपने घर वापस आई, जैसे मैंने घर में प्रवेश किया रसोई घर से मेरी भाभी उषा की चीख मुझे सुनाई थी, और मैं उस तरफ भागी। मैं उस
सत्य को देखती रही। मेरा कंठ स्वर बंद हो गया, धीरे धीरे मैं बेहोश हो गई। मैं अपने भाभी को बच सकी और अगर किसी तरह बच न सकी। मिस ज्योति, अब आप अपनी जगह पर बैठ सकती हैं। मिस रसाहे, एनी क्रॉस एग्जामिनेशन? आपका कोई सवाल? नो क्वेश्चन योर ऑनर। ये मेरी बदकिस्मती है योर ऑनर कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि नौ मैंने मुझे अपने गर्भ में धारण करने वाली लाड प्यार से अपने खून को पानी बनाकर मुझे पालने वाली, पढ़ा लिखा कर बड़ा करने वाली मेरी अपनी जन्मदात्री माँ ही है। जल्लाद जनन, और इस नीच कर्म में उसका सहयोगी कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई। एक ही माँ के कोख से जन्म लेने वाला मेरा अपना छोटा भाई सुरेश माथुर है। क्यों रोना? भाई बहन का पवित्र संबंध अनादिकाल से चलता आ रहा है। बहन अपने भाई के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार रहती है, भगवान से प्रार्थना करती है उसकी मंगल कामना के लिए, उसके लिए लंबी आयु मांगती है। लेकिन आज मैं मांग रही हूँ कि किसी भी जन्म में किसी भी बहन को ऐसा भाई ना मिले। दुनिया की नजरों के सामने आज एक नया इतिहास बन रहा है योर ऑनर। एक बेटी अदालत में खड़ी होकर अपने सगे भाई और माँ को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने की सिफारिश कर रही है। लेकिन बात ऐसी नहीं है योर ऑनर। आज मासूम औरतों की रक्षा के लिए एक औरत खड़ी होकर नारी समाज के माथे पर बनी कलंक के इस टीके को मिटा देना चाहती है। मैं इनकी बेटी जरूर हूँ योर ऑनर, लेकिन सबसे पहले कानून की रक्षा करने वाली और उसको इज्जत देने वाली एक औरत हूँ और भविष्य की माँ भी हूँ योर ऑनर। आज मैं अदालत से पुरजोर अपील करती हूँ कि इन जघन्य अपराधियों को आखिरी से आखिरी सजा दी जाए, सजाए मौत, फांसी की सजा। सभी घटनाओं, सबूतों और गवाहों को जहन में रखते हुए अगर मैं अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा न दूं तो समाज के प्रति, कानून के प्रति मेरा फर्ज पूरा नहीं होगा। लिहाजा इंडियन पिनल कोड की धारा 302 और 34 के तहत दोनों मुजरिमों पार्वती देवी पत्नी शंकरलाल माथुर और सुरेश माथुर वल्द शंकरलाल माथुर को यह अदालत फांसी की सजा देती है। दोनों को मौत होने तक फांसी पर लटका कर रखा जाए। टू बी हैंग बाय नेक टिल डेथ। तू ही हमारी बेटी मारू उषा बेटी
तुम्हें हमारी बेटी मारो। छोटी बेटी मत रो, अब हम तो हर माई वाली। ये देखो रतन के आपन भाई समझो, अब ये तो हर भाई हो। बाबूजी, इन लोगन हमरा दीदी के मुआ देलन, भगवान इनका की सजा देलन ना। हाँ बेटा, इनका गुनाह की सजा इनका मिल गई, बाकी असली गुनेगार तो हम बानी बेटा। बेटी के सुख खातिर बरगर की ससुराल खोज ली और हमेशा खातर बेटी से हाथ धो दे ली बेटा। और फोगी के परेल हमारे बेटी के ई दुख हमरा कहे जावे जिंदगी भर सालत रही। कबो चैन न लेवे दी बेटी, कबो चैन न लेवे दी बेटी, कबो चैन न लेवे।